हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम 1 अप्रैल का पेपर डिस्कस करेंगे पटवारी का, कि पटवारी के कल के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम है, पेपर इजी है कि मॉडरेट लेवल का आ रहा है, कि ज़्यादा टफ आ रहा है। बट मैं बता दूँ कि पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बात वही हो जाती है कि हम कितना डीप और कितना ऊपर का पढ़ रहे हैं। मेनली पटवारी परीक्षा में व्यापम ये चाहता है कि आप सबको जनरल चीज़ों की नॉलेज ज़रूर हो, तो जनरल नॉलेज के बेसिस पे ही पेपर आ रहा है। बहुत इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और चलिए डिस्कस करते हैं कि 1 अप्रैल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और किस तरह क्वेश्चन आए हैं। आप इनको एनालिसिस करेंगे तो आपका और अच्छा पेपर जा सकता है, अगर एक बार पेपर को एनालिसिस कर लिया है तो। चलिए, होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नर्मदापुरम रखा गया है। देवी अहिल्याबाई महल कहाँ स्थित है? महेश्वर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य का कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष का से कार्यरत है? तो 1973 से कार्यरत है। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। और होलकर कॉलेज में विधि की शिक्षा प्रणाली कब शुरू की गई है? तो 60 के दशक में होलकर कॉलेज में विधि परीक्षा शिक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? लार ग्रंथि जो होती है वो टाइलिन एंजाइम स्त्रावित करती है। कालिदास एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कालिदास एकेडमी मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 2002 से 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नर्मदा घाटी के तट पर कौन सा नगर बसा है? महेश्वर बसा हुआ है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी, जो कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर जो है वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। हिंडोला मेल कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। SI मात्रक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी यूनिट होती है फिजिक्स, और फिजिक्स में जितनी भी SI यूनिट्स दी गई हैं, आप हर चीज़ का पढ़ के जाइए, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे फोर्स हो, इन सब के SI यूनिट पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंटिन्यू आ ही रहा है। फिसलने या रगड़ खाकर चलने से उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। होलकर कॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आप मेनली जो पुराने पुराने कॉलेज हैं उनके बारे में पढ़ के जाइए, तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। बेरोजगारी दर क्या है? 8.3% बेरोजगारी दर है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ओ ऑस्टर ने की थी। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया है। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। जादूगर आनंद का संबंध जन्म किस स्थान में हुआ था? तो जादूगर आनंद का जन्म जो है जबलपुर में हुआ था। हिमालय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंडिया में जितने भी हिमालय हैं, जैसे मतलब इंडिया में जो जो माउंटेन है, जो रिवर है, और जो MP में माउंटेन्स और रिवर हैं, आप उनसे क्वेश्चन करके जाइए, उसमें पक्का क्वेश्चन फंस रहे हैं। ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना कब की थी? 18 मई 1867 को की थी। रूडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया गया है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राज्य योजना आयोग रख दिया गया है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म जो है अशोक ने स्वीकार किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 53,264 करोड़ रुपए जो है कृषि बजट के लिए दी है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना के नाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप पढ़ के जाइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो MP में जितने भी साहित्यकार रहे हैं उन सब के बारे में आप पढ़ के जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नेशनल पार्क चाहे इंडिया का हो चाहे MP का हो, आ ही रहा है, तो आप नेशनल पार्क भी क्या है पढ़ के जाइए। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, तो जितने भी वॉर हुए हैं MP में मेनली, और जो इंडिया की हिस्ट्री में जितने भी वॉर हुए हैं, आप उनको युद्ध पढ़ के जाइए, उनसे क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं और इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने इसमें से देखा कि नेशनल पार्क इंडिया का नेशनल पार्क हो, चाहे MP का नेशनल पार्क हो, चाहे MP का साहित्यकार हो, चाहे बजट हो, चाहे नदियां हो, चाहे MP का नेशनल पार्क हो, और
माउंटेन हो, मध्य प्रदेश के पहाड़ हो, पर्वत हो, पठार हो, इन सब से बहुत ही जनरल जनरल ऊपर का क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आप इतना इतना सरल सरल क्वेश्चन नहीं करोगे तो जो भी कट ऑफ है वो बहुत ही आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको जो भी जनरल एमपी की जीके है और हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही जनरल पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप जाओगे तो जो ऊपर के आप जो ऊपर का जो सरफेस है, जो हम ऊपर जनरल चीज़ें हैं वो हम खो देते हैं ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में। और व्यापम जो है बहुत ही जनरल चीज़ें पूछ रहा है, बस वो ये चाहता है अपने पटवारी पटवारी जो बन पटवारी सबने ये चाहता है कि उसको हर जगह की थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, वो ये नहीं चाहता कि आप उस चीज़ में पीएचडी कर लो। तो इसलिए आप चीज़ें जनरल जनरल पढ़िए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, बस एक जनरल ज्ञान लेना है, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस करनी है उन्हीं जनरल क्वेश्चन की, और एनालिसिस तो देखते ही रहिए, क्योंकि एनालिसिस से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस नेचर का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक नया रास्ता दे सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि कल मिलेंगे और 2 अप्रैल के वीडियो में शिफ्ट में मिलेंगे कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।